बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की पठान से भिड़ेगी राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध। इस क्लैश पर डायरेक्टर ने बड़ा बयान दिया, कहा हमारी फिल्म नाच गाने वालों की नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। पठान के आसपास घूमने वाली बहुत सारी चर्चा के साथ फैंस शाहरुख खान के इस कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी 9 साल के बाद वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अपनी फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध के साथ आने वाले हैं। दोनों ही फिल्मों का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जहां पठान 25 जनवरी को रिलीज होगी तो वहीं गांधी गोट से एक युद्ध 26 जनवरी को। और अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट में राजकुमार संतोषी ने पठान के साथ टकराव के बारे में बात करते हुए गांधी गोट से एक युद्ध के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने कहा, हमारी फिल्म जिस तरह के विषय में रुचि लेते हैं, जिस तरह की फिल्म देखना पसंद करते हैं, वो बहुत अलग है। दोनों अपनी तरह की फिल्म है तो मैं कभी इस चीज का टेंशन नहीं लेता, केवल फोकस होता हूँ। अर्जुन की नजर हमेशा मछली की आंख पर रहती है। मुझे अभी याद आया कि पठान भी तभी आ रही है। इसके अलावा शाहरुख खान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मेहनती एक्टर हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं होंगी उनके साथ। यशराज बहुत बड़ी बैनर है, बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, वो उनकी फिल्म है और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। आगे अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये फिल्म पूरी ईमानदारी के साथ बनाई है। ये एक बोल्ड फिल्म है जिसके डायलॉग्स ऐसे लिखे गए हैं जैसे पहले कभी नहीं सुने होंगे आपने। हमने इस फिल्म में किसी भी चीज को गलत तरीके से नहीं दिखाया है। हमने गांधी और गोडसे की सोच को डायलॉग्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, पठान और गांधी गोडसे एक युद्ध में आपके हिसाब से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही बॉलीवुड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड नजर।